मैंने काम लिया था ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के लिए बोला था और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के लिए बोला था, ठीक है। शुरू करते हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। एक ऊपर टेबल दिया हुआ जिसमें हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद कौन से मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू है तो MH2 बनेगा, एक उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री है तो MX3 बनेगा, MX4 बनेगा, MX5 बनेगा, MX6 बनेगा, MX7 बनेगा, सही है। क्लियर क्लियर नहीं आ रहा, ज्यादा अब बॉन्ड एंगल बढ़ गया,
क्या कम होगा? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बढ़ेगा। पक्का ना? यस। समझ में आ गया? यस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टेरिक इंटरेस्ट। तो स्टेरिक इंटरेस्ट जो होगा, अब बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो स्टेरिक इंटरेस्ट कम होगा, और स्टेरिक इंटरेस्ट कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना था? 180। इसमें 120। तो इसमें स्टेरिक इंटरेस्ट सबसे कम रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा इसमें होगा, इससे ज्यादा इसमें होगा, इससे ज्यादा इसमें होगा, इससे ज्यादा इसमें होगा, इससे ज्यादा इसमें होगा। तो स्टेरिक इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा? समझ गया की अनस्टेबल रहेगा वो? समझ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। आपको टेबल निकालो जिसमें हैलोजन बना है, हैलाइड बने, हैलाइड बने। ठीक है, टेबल 8.5 होगा। ठीक है, स्कैंडियम तो दिया मैंने, टिटेनियम से शुरू करते हैं। टिटेनियम ऑक्सीडेशन नंबर से होता है प्लस टू से लेकर प्लस फोर। वो तीन दो बॉन्ड बनाएगा, तीन बॉन्ड बनाएगा, चार बॉन्ड बनाएगा, टी आई एक्स टू बनेगा, टी आई एक्स थ्री बनेगा, टी आई एक्स फोर बनेगा। समझ में आ रहा है? प्लस वन नहीं छोड़ कौन ये सब नहीं, प्लस वन नहीं, प्लस टू, प्लस वन एक ही शो करेगा, दैट इज फोर। ठीक है, एक बार कहा जाता है कि इफ हम यहाँ मान के चले कि हमारे पास एम एन है और एम एन जब दो बॉन्ड बनाएगा और एम एन पांच बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसा कहा जाता है कि पांच बॉन्ड बनाने के टाइम पे हम उस एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। नहीं समझे? देखो एम एन दो बॉन्ड भी बनाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा प्लस वन, पांच बॉन्ड बनाएगा तो यह रहेगा प्लस वन। हर किसी एलिमेंट का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है, क्या बोला मैं, हर किसी एलिमेंट का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर के लिए उसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना होगा। और देखो ना, ये प्लस टू में या प्लस फाइव में, तो यहाँ पे दो ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पे पांच इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी या पांच इलेक्ट्रॉन को? इसलिए ये तो किसी के साथ भी बॉन्ड बना, इसके दो इलेक्ट्रॉन कोई भी रिमूव कर सकता है, लेकिन जब उसके पांच इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बात आएगी तो ऐसा एटम उसके साथ रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा जिसके पास एनर्जी बहुत सारी हो। और ऐसा कौन है? क्लोरीन। और इसलिए हर एलिमेंट का जो टॉप वाला एलिमेंट देखो ना आप, वहाँ पे तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे वहाँ पे एक्स नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पे एफ लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द बोला है मैंने, हर किसी में नहीं बोला है, सही है, क्लियर है ना? स्पेशली हायर वाले जिनका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, ऐसे वाले के पास है वो आपने फ्लोरिन लिखा हुआ है, एक्स नहीं लिखा हुआ है। एक फ्लोरिन तो सब में रहेगा, जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है ना वहाँ पे फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन आयोडीन सभी रहेंगे, लेकिन कहीं कहीं पे एक्स नहीं लिखा हुआ है, ओनली एफ लिखा हुआ है। तो उसका रीजन क्या है कि जब हाई ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा तो उसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना होगा, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना हो तो उसके लिए उसके साथ बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे जिसका एनर्जी ज्यादा है, जो उसके साथ बॉन्ड बनाएंगे क्लोरीन के साथ, वो दिखा होगा उसमें। तो टिटेनियम पे थे किसके साथ है और बाकी सब हैलोजन के साथ? सही बोला मैंने? हाँ, ब्रोमीन के साथ जाते हैं प्लस टू से लेकर प्लस सिक्स तक, तो छह बॉन्ड बनाएगा। सबसे ऊपर वाला किसके साथ है? क्लोरीन। और बाकी सब हैलोजन के साथ है, उसके ऊपर वाला भी क्लोरीन वाला है, ऊपर के दोनों क्लोरीन वाले। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, तो वो निकालने के लिए एनर्जी उसको ज्यादा लगेगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने होंगे। उसके बाजू में जाते हैं मैग्नीज,
इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? सेवन। तो वो क्या होना चाहिए? Mn x2 से लेकर Mn x7 तक बनाना चाहिए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, ओनली टेट्रा हैलाइड तक बना। अब क्वेश्चन आता है, उसके पहले कौन है? Mn के पहले क्रोमियम। Cr x5 है, 6 है, 6 है। तो यहाँ पे Mn x क्यों नहीं दोनों का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो रेंज में है, रेंज के बाहर नहीं है। मतलब ये स्टेबल है, ये क्यों नहीं? सेंट्रल वाला बड़ा हो और बॉन्डेड वाला छोटा हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर में कौन है? क्रोमियम है, और सेंटर में कौन है? Mn। तो क्रोमियम का साइज बड़ा है और Mn का साइज छोटा है, और इसके बाद साइज का प्रॉब्लम होते जा रहा है। लाख थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन कम तो हो रहा है। तो जैसे ही इनका साइज कम हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? पहले सेंटर का साइज बड़ा था और यहाँ पे फिर छः अटैच थे, तो उनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन नहीं था। फिर यहाँ से इधर आएगा तो साइज छोटा हो गया, तो ऐसा हो गया। तो यहाँ पे जब छः लोग रहेंगे तो इनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन बढ़ जाएगा, और ये Mn के बाद सब में होगा। और इसका Mn के बाद देखोगे ना तो जितना हमने सोचा है उतने हैलाइड्स नहीं मिल रहे, वो लोअर वाले मिल रहे, हायर वाले नहीं मिल रहे। देखो है ना, लोअर वाले मिल रहे, हायर वाले नहीं मिल रहे। एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि लोअर भी मिले और हायर भी मिले। अब बाकी के हायर नहीं बनाएंगे, क्लोरीन तो बना सकता है ना, क्लोरीन तो बना सकता है ना, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक। यहाँ पे स्टेरिक ज्यादा इफेक्ट क्यों कर रहा है पता है क्या? क्योंकि ये जो हैलोजन है ना, हर हैलोजन पे तीन तीन लोन पेयर है, और तीन तीन लोन पेयर होने की वजह से ये बहुत जल्दी रिपल्शन को बना लेते हैं, और जितना रिपल्शन ज्यादा रहेगा उतना स्टेबिलिटी कम है। तो जितने हैलोजन राइट साइड में नहीं दिए, इसके बाद Mn इंक्लूडिंग Mn, तो वहाँ पे सब में रीजन क्या रहेगा? स्टेरिक। क्या रहेगा? स्टेरिक। समझ गए? नहीं समझ? अब देखो, ठीक है, क्यों नहीं रहेगा समझा? क्यों? स्टेरिक रहेगा। अब देखो, मैंने पूछा Mnx6 पॉसिबल है, क्यों स्टेबल नहीं है? स्टेरिक। कितने बॉन्ड बनाए? छह। पक्का? Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? प्लस प्लस 6। ये एग्जिस्ट करेगा, स्टेबल होगा। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? इसमें Mn को ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? प्लस 6। इसमें कितना है? प्लस 6। सेम ही तो हो गया ना, वहां पे भी 6 बॉन्ड बना, यहां पे 6 बॉन्ड बना। बोल सकते हैं हमने Mn x6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो बॉन्ड एंगल कितना था? Mn x6 देखो ना, Mn x6 वाला
क्वेश्चन, इसका स्ट्रक्चर रहेगा Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सही है? हम ये कंपेयर नहीं करेंगे, ये भी प्लस सिक्स है, ये भी प्लस सिक्स है, यहाँ पे छह के छह सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कितने तीन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा sp2, तो बॉन्ड एंगल कितना रहेगा 120, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 है और यहाँ पे बॉन्ड एंगल 90 है और इसलिए ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा इनके इंटरेक्शन, समझ गया? अब मैंने पूछा मेरे पास है MnF7 और MnF, क्योंकि Mn प्लस 7 तक जाता है ऑक्सीडेशन नंबर में, इसलिए मैंने प्लस 7 के हिसाब से निकाला और दूसरा लिखा मैंने MnO3F, सही है? तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है प्लस 7 और इसमें कितना है प्लस 7, कौन सा स्टेबल होगा? और यहाँ पे कितना था 7, इससे ये एग्जिस्ट करेगा ये नहीं करेगा, ठीक है? समझ में आ गया, ठीक है? अब यही बात ऑक्साइड में देखते हैं, ऑक्साइड कल ऑक्साइड होगा, आई थिंक ऑक्साइड में Mn तक के क्रोमियम का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, Mn तक, Mn के बाद दिक्कत हो रहा है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और क्लोरीन से ज्यादा पावरफुल कौन है? क्लोरीन, तो क्लोरीन हाईएस्ट बॉन्ड बना सकता है, उसके कंपेयर में लूज फोर है ऑक्सीजन, तो जब लेफ्ट टू राइट आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उनका इलेक्ट्रॉन खींचना डिफिकल्ट होगा ऑक्सीजन के लिए और इसलिए वो हेवी एलिमेंट जो है ना आने के बाद देखो तो उसमें उन्होंने कम से कम बॉन्ड बनाए और स्टार्टिंग में ज्यादा बॉन्ड बनाए, समझ में आ रहा? उसमें दो टाइप के ऑक्साइड होते, एक होगा सिंपल ऑक्साइड और दूसरा होगा मिक्स्ड ऑक्साइड, देखो उसमें लिखा हुआ मिक्स्ड ऑक्साइड स्टार्टर पे लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे सर मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब क्या है? मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब होता है जिस ऑक्साइड में एक मेटल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, कैसे वो बताता हूँ, वहां पे लिखा हुआ है Fe3O4, क्या लिखा हुआ है Fe3O4, ठीक है? इसको उन्होंने बोला है मिक्स्ड ऑक्साइड, ठीक है? तो इसमें एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 चार का -8 राइट साइड में डिवाइडेड बाय 3 +8/3, ठीक है? इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा +8/3, इसको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनता है +3 +3 +2, इसका मतलब तीन जो Fe जो है तीन में से दो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा +3 और एक का कितना रहेगा +2, ये तो Fe3O4 है, ये दो पार्ट का बना हुआ है, पहला जो पार्ट है वो है FeO और दूसरा है Fe2O3, इसमें पार्ट का बना हुआ है दो पार्ट, कौन सा कौन सा FeO और Fe2O3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +2 और यहाँ पे रहेगा +3, तो एक ही मॉलिक्यूल में एक ही मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर एक से ज्यादा है और ऐसे ऑक्साइड को बोला है मिक्स्ड ऑक्साइड, ठीक है? तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ऑक्साइड का क्वांटिटी कम इसलिए हो गया क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो उनके साथ बॉन्ड बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए वो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में तो बॉन्ड बनाए हैं लेकिन हायर ऑक्सीडेशन नंबर में बॉन्ड नहीं बनाए, ठीक है? एक बार दोनों टेबल को देखो, इसका Fe3O4
ठीक है डन। देखो दोनों टेबल को, Cr2O4 minus 2
CR2 O7 CR2 O7 -2 इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट। क्या बोलेंगे? डाइक्रोमेट। सी एफ ऑक्सीडेशन नंबर +6 कितना रहेगा? +6 कैसे? एक ऑक्सीजन का -2 साथ का रहेगा -14 राइट साइड में जाएगा +14 ऑलरेडी -2 राइट साइड में था चार्ज है ना -2 सही है हाँ तो कितना आएगा +6 ठीक है स्ट्रक्चर ऑरेंज कलर शो करता है पता किसके पास वो बोलना है हैंड रेस्ट करना है
थैंक यू। इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है बेटो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ एच प्लस आयन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ ओएच माइनस आयन ट्रांसफर्ड। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे क्रोमियम जो है यहाँ से हमने क्रोमियम प्लस बनाया प्लस सिक्स, तो एन का वेट कितना होगा सिक्स, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय कितना आएगा सिक्स आएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा इक्विवेलेंट वेट, क्या मिलेगा इक्विवेलेंट वेट। तो एक है क्रोमेट और दूसरा है डाइक्रोमेट, दोनों सेम कलर के ऊपर ही अलग है। ठीक है, एक वर्ड आता है रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन का मतलब होता है डाइक्रोमेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट एंड क्रोमेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डाइक्रोमेट। पीएच चेंज क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और पीएच चेंज करके डाइक्रोमेट को क्रोमेट, इसको बोलते हैं रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन का मतलब एक को दूसरे में कन्वर्ट करो, दूसरे को फिर से पहले में कन्वर्ट करो। ठीक है, याद है, देखो प्रिपरेशन मेथड। वैसे तीन जो केमिकल रिएक्शन दिए हुए हैं तीनों के तीनों प्रिपरेशन मेथड है, लिख लो और साथ में उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम भी दिया हुआ है वो भी लिखो। पहले तीनों के तीनों केमिकल प्रिपरेशन मेथड है, रिएक्टर प्रोडक्ट दोनों के नाम लिखने हैं। तीन स्टेप का पहले क्रोमेट से पहले क्रोमेट बनेगा, क्रोमाइट से क्रोमेट बनेगा, क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा और फिर सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करेगा। पढ़ना है उसको, ठीक है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में दिए हुए कुछ बीच में दिए हुए।
यूजेस का भी वैसे ही है, तो अच्छे से पढ़ रही हो उसको। सेम कलर नहीं मिलेगा। इफ मीडियम एसिडिक है तो आपको क्या नहीं मिलेगा?
क्रोमेट है डाइक्रोमेट क्रोमेट क्रोमेट क्योंकि क्रोमेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा डाइक्रोमेट। नेक्स्ट रिएक्शन Cr2O7-2 plus OH minus converted into CrO4 minus 2। ठीक है, तो मीडियम बेसिक रहेगा तो आपको क्या मिलेगा क्रोमेट, और मीडियम ऐसे दिख रहेगा तो डाइक्रोमेट, तो क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी आपके पास मीडियम ऐसे दिख रहे थे, आपके पास क्या है डाइक्रोमेट, उसमें बेस ज्यादा है तो उसको बेसिक बना देते, क्या करेगा क्रोमेट, इसका मतलब वो क्या करेगा रीफॉर्मेशन करेगा, क्या करेगा रीफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इट शो इक्विलिब्रियम ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, इट शो इक्विलिब्रियम, इट शो इक्विलिब्रियम ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, इट शो इक्विलिब्रियम ऑफ इक्विलिब्रियम पे दोनों चलेगा क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट एट pH इक्वल्स टू 4। जब pH 4 रहेगा तो वहां पे दोनों शो करेगा, कौन सा क्रोमेट और डाइक्रोमेट। ठीक है, यह केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्या हम इसको डाई इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं DYE कलर शो, इट इज यूज इन द डाई इंडस्ट्री। इट इज यूज इन टाइट्रेशन, टाइट्रेशन में यूज करते हैं। इट इज यूज टू मेजर COD, कैपिटल C, कैपिटल O, कैपिटल D। It is used to measure COD, cash on delivery, chemical oxygen demand। जैसे dissolved oxygen demand होता है वैसे ही chemical oxygen demand होता है। It is used in preparation of chrome alloy। It is used in preparation of chrome alum. Alum, शुरू alum बताया था मैंने। कब? Equilibrium में जब double salt पढ़ाया था, तब। देखिए ना आपने, alum होगा, शुरू alum होगा, ठीक है? Chrome alum. Next, it is used in the hardening of photographic films. जो पहले photograph निकालने के लिए जो reels आते थे, उस रील्स को हार्ड बनाने के लिए यूज करते थे। इट इज यूज इन द हार्डनिंग ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म। इट इज यूज इन लेदर इंडस्ट्री, इट इज यूज इन लेदर इंडस्ट्री फॉर टैनिंग, और टैनिंग, और टैनिंग। टैनिंग का मतलब होता है जो लेदर होता है, उस लेदर का जो सरफेस होता है, उस लेदर के सरफेस के ऊपर इसका लेयर लगाएंगे। लेयर लगाने के दो फायदे हैं। पहला, वाटर के साथ जब कांटेक्ट होगा तो ये भीग नहीं जाएगा, ड्राई रहेगा, उसको ड्राई रखने का काम करेगा। और दूसरा, जो लेदर होता है उसके ऊपर बैक्टीरिया अटैक कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर सकते हैं, तो उस लेदर को खराब कर सकते हैं। नॉर्मली कोई लेदर पड़ा हुआ है जिसका टैनिंग नहीं हुआ है तो कुछ दिन के बाद सड़ जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर अटैक करते हैं।
तो उनका अटैक नहीं होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का लेयर लगा देते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डैमिंग। ठीक है, यूज क्या होता है बता दिया, क्यों करते हैं, वाटर मॉइस्चर से बचाने के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने। ठीक है, तो ये था K2Cr2 ऑक्साइड। ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो लिया हुआ ना वो वही है, कौन सा टाइट्रेशन वाला, टाइट्रेशन। नेक्स्ट देखो पोटेशियम परमैंगनेट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज, इट इज सॉरी पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्मूला KNO4। ये आपके लिए होमवर्क है, कितने पार्ट में कौन सा कौन सा यूज़